जी न्यूज चैनल की टीम के 28 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद चैनल के ऑफिस, न्यूज रूम और स्टूडियो को सील कर सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसकी जानकारी खुद जी न्यूज चैनल के संपादक सुधीर चौधरी द्वारा ट्विटर के माध्यम से दी गई है। सुधीर चौधरी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि बीते शुक्रवार को हमारा एक साथी कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उसके संपर्क में आए टीम के सभी लोगों की कोरोना जांच कराई गई। इस जांच में टीम के 28 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और सप्ताह खत्म होते होते आज हमारा सामना कोरोना वायरस से हो गया, क्योंकि कोरोना वायरस जी न्यूज के न्यूज रूम तक अब पहुंच गया है। जी न्यूज में हमारा एक साथी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। जी न्यूज के न्यूज रूम का एक एक सदस्य भी कोरोना वायरस का अगर शिकार हो भी गया तो भी वो लगातार काम करता रहेगा। जी न्यूज के न्यूज रूम में आए इस संक्रमण के मामले को लेकर हम बहुत गंभीर हैं, जी न्यूज का मैनेजमेंट बहुत गंभीर है और हम इससे जुड़ी तमाम सावधानियां बरत रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐसी चीज है जिसे शायद बहुत सारी कंपनियां या हमारी जगह कोई और होता तो शायद छुपाने की कोशिश करते, लेकिन हम बहुत ईमानदारी से आपके साथ और दुनिया के साथ ये जानकारी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जी न्यूज का हेडक्वार्टर अब सील हो गया है और अगले 48 घंटों तक जी न्यूज में हमारे न्यूज रूम में और बाकी के दफ्तर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। उसके बाद ही हमारा स्टाफ उस बिल्डिंग में लौट पाएगा। हमारे न्यूज रूम में काम करने वाले जो भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए, साथी के संपर्क में आए थे, उन सब का हमने कोरोना टेस्ट करवा लिया है। ज्यादातर का बाकियों का टेस्ट करवाया जा रहा है और हमने अपने इन सभी साथियों को जो हमारे उस साथी के संपर्क में आए थे जांच रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन कर दिया है। पॉजिटिव आए इन 28 लोगों में अधिकतम लोगों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं मिले हैं, जबकि इन लोगों के संपर्क में आने वालों को भी क्वारंटीन फैसिलिटी में भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।